we will revise metals and non-metals, right? What we had discussed in this chapter, first the properties of the metals, right? इसमें अगर हम क्वेश्चंस देखें तो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस विल बी देयर, लाइक वी कैन आस्क यू बाय गिविंग द एक्स एंड वाई कॉम्पोजिशन, यू हैव टू राइट डाउन द बॉन्ड फॉर्म्ड, और वी कैन आस्क यू द एक्स इज दिस वैलेंस, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, देन वी कैन आस्क यू टू राइट डाउन द कंपाउंड, ठीक है, वो आपने बनाना है, एंड दैट इज पॉसिबल एज यू ऑलरेडी सेड यू हैव टू लर्न द फर्स्ट 20 एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, हाय हेलो वो आपको आते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के क्वेश्चन जो है एज द एमसीक्यू पेपर इज देयर, सो प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे, वी विल गिव यू द एग्जाम्पल एंड आस्क यू कि इज इट हैविंग अ हाई मेल्टिंग और द लो, और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विच इज द रॉन्ग. राइट, नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वी हैड डिस्कस द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज. In the physical metals, these are having, you have to learn the metals. जितने metals आपने करे हैं, calorie नहीं calcium मांगे, at least learn those metals. And non-metals, carbon, nitrogen, जो मैंने आपको बोले हैं, उतने कर लो. And फिर कल बाहर आई वाला जो fluorine, chlorine, bromine, iodine, these non-metals learn कर लो. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी, बट वी हैड डिस्कस मेटल्स आर मैलेबल, लस्ट्रस, लस्ट्रस मींस दे आर हैविंग द शाइनी अपीयरेंस, एंड मेटल्स आर मैलेबल, दैट मींस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, राइट, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, इफ दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन लाइक एट द एज द एमसीक्यू वाज देयर इन द टेस्ट आल्सो, कि स्कूल बेल्स एंड द वॉयलेंस आर यूज द प्रॉपर्टी, ठीक है, सोनोरस भी है, डक्टिलिटी भी है, एंड ऑल दैट, बट यू हैव व्हिच प्रॉपर्टी दे आर आस्किंग, मींस उसमें सबसे मेन है कि अगर स्कूल बेल्स एंड वॉयलिन, बच्चों ने गलत करा था, डक्टिलिटी लिखा था, डक्टिलिटी दैट इज दे आर टेकिंग द वॉयलिन स्ट्रिंग्स, बट दैट आर द वायर्स, नो डाउट, बट हम बात कर रहे हैं स्कूल बेल्स एंड वॉयलिन. That is used on the principle of the sonorous, that is producing sound. ठीक है, violin वाले में फिर option आपके पास दोनों होंगे, ठीक है, फिर आपके पास दोनों options होंगे. अगर कोई question ऐसा होता है कि दो question, दो उसके answer right है, तो नीचे आपके पास 1, 2 या जो भी option है वो होगा, ठीक है. Metals are solid, ठीक है, except mercury that is in the liquid form. Metals are sonorous, हो गया, metals have high melting and boiling point, metals are good conductor of electricity except lead, ठीक है, metals are you can say tensile strength and all that, boiling point हो गया, melting point हो गया, these are the physical properties of the metals. What are the physical properties of the non-metals? That is exactly the opposite, except you आपने जो उसके exceptions है you have to learn. Non-metals are non-malleable, non-ductile, ठीक है, non-sonorous, brittle in nature, low melting and boiling point, except yeah, metals are not good. Sorry, non-metals are bad conductor of electricity, except carbon, graphite, diamond is a non-metal that is lustrous and having a high tensile strength. ठीक है, that is the hardest natural material. Non-metals are non-lustrous except iodine. ठीक है, which metals they can evaporate on our body temperature? Gallium and cesium. Right? After that we had discussed the chemical properties of the metals and the non-metals. Chemical property में I told you to learn the like the reaction of the metals with the oxygen, but they will form. मैंने आपको proper reactivity series के according बताया है कि जो कैलरी नहीं कैल्शियम, कैलरी नहीं तक है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, उसके बाद मॉडरेटली हैं, देन लेस रिएक्टिव, एंड हाइड्रोजन से नीचे दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, सो डिपेंड अपॉन द सीरीज,
डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे ये पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर इनकी रिएक्शन है. लर्न रख लो, वेन एवर मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दे विल फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड. व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड? ठीक बोल रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड BMO. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक. हाँ याद रखना है, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको गिवन हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यू हैव टू राइट डाउन इट्स की क्या नेचर है. ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज दिस एसिडिक बेसिक और द न्यूट्रल. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया. फिर जो मेटेलिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वो क्या मेटल्स की जो रिएक्शन है, दे कैन रिएक्ट विद द एसिड्स एज वेल एज बेसिस. ठीक है, बट उससे पहले एसिड्स के साथ मेटेलिक मेटल्स की रिएक्शन क्या है? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड द वॉटर. हाइड्रोजन गैस कब रिलीज करते हैं मेटल्स? H2 कब रिलीज होती है? ये देखो जरा, बट इट विल फॉर्म आपने गलत बीच में बोला था, वो ये नहीं था. मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. इन एनी केस क्वेश्चन आता है, एक टैंक है वो स्पिल कर गया एंड द जो जो भी उसको लेके जा रहा है एंड ही इज लिसनिंग या ही हर्ड द साउंड ऑफ हिजिंग साउंड. व्हाट इज दैट हिजिंग साउंड? हाइड्रोजन की हिजिंग साउंड है. व्हेन वी विल ब्रिंग बर्निंग मैचस्टिक नियर टू इट, देन पॉपिंग साउंड. डोंट कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इट प्रोड्यूसेस हिजिंग साउंड. व्हेन बर्निंग मैचस्टिक नियर टू इट देन इट प्रोड्यूसेस द पॉपिंग साउंड. हाँ मैं तभी बोल रही हूँ कि कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि आपको पॉपिंग लर्न रहता है, हिजिंग भूल जाते हो. राइट, दैट इज द हिजिंग साउंड. फिर हमारे पास है कि जब भी अगर आयरन है या कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन है तो आपने उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट विच मतलब व्हाट दे आर आस्किंग. राइट, उसके बाद मेटल्स की हमने करी, ये एसिड्स के साथ करी. तो मेटल्स में कुछ ऐसे मेटल्स हैं दोज विच आर शोइंग द प्रॉपर्टीज विद द एसिड्स एज वेल एज द बेसिस, दीज आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कौन कौन से एम्फोटेरिक? एल्यूमिनियम एंड जिंक. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या बनता है उसका व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद द, क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट विद द HCl, व्हाट इट विल फॉर्म? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वॉटर. व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस, व्हाट इट विल फॉर्म? NaAlO2 plus that is sodium aluminate. And when zinc oxide with HCl, it will form zinc chloride plus water. And when zinc oxide react with the base, it will form Na2 ZnO2, that is sodium zincate. Sodium zincate. ठीक है, it produces sodium zincate. These are the amphoteric that will show the reaction with both the acids and the bases. ठीक है, उसके बाद हमने करा था कि metals they can react with the acids के साथ हमने करा था, तो हमने nitric acid भी discuss करा था, HNO3. Metals releases the hydrogen gas when they are reacting with the acid. Exception है nitric acid. Nitric acid hydrogen gas is not produced. Why? अगर आपको चार options given है, you have to find out the reason. Strong oxidizing agent, ठीक है? Yes, it converts the H2 to H2O. देखो why I am saying कि nitric acid वाला topic given है. उन्होंने नीचे चार options दे दिए. You have to find out the correct statement. ठीक है, तो उसके reason क्या क्या है? Nitric acid is a strong oxidizing agent. ये भी true है. Nitric acid में water जो है, hydrogen जो release होती है, it is it forms the water. ठीक है, not sufficient hydrogen heat is released. Third, nitrogen का भी जितने nitric acid है, it convert into its nitrogenous compound.
ऑक्साइड्स बना देते हैं. तो दीज ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, जो भी अगर कुछ होगा तो मींस वी हैव टू सी व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग. ठीक है, फिर हमारे पास है नाइट्रिक एसिड का हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और वो नहीं रिलीज करता. एक्सेप्शन कौन से किए थे, तो एमजी एंड एमएन, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, दे आर शोइंग द रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, देन एक्वारिजिया करा था आपने. उसके बाद व्हाट इज एक्वारिजिया, दैट इज द क्या है, किसकी 3:1 एक्वारिजिया इज द, व्हाट इज एक्वारिजिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ, अगर HCl पहले है तो 3, अगर HNO3 पहले है तो 1. Aquaregia is the solution, freshly prepared solution of the two things. इसकी concentration है concentrated HCl and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. ये दोनों concentrated है, दोनों dilute नहीं है. और दूसरा ratio है, अगर ये इस तरह से लिखा होगा concentrated HNO3, ये ध्यान रखना है किसको उन्होंने पहले लिए, ये जरूर ध्यान रखना है. और concentration पे word पे focus करना, it's not dilute, it is in the concentrated form. दो की composition से aquaregia बनता है. Aquaregia is used to dissolve all the metals. ठीक है, एंड इट्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय जो गोल्ड जो स्मिथ होते हैं, बाय दे आर यूजिंग दिस, या क्यों कहा जाता है, व्हाट दे आर यूजिंग टू क्लीन द बैंगल्स या क्लीन द गोल्ड ज्वेलरी, व्हाट दे आर यूजिंग द एक्वारिजिया. ठीक है, व्हाय वी यूज टू से कि गोल्ड लेस हो जाता है आफ्टर वॉशिंग, ड्यू टू द एक्वारिजिया. ठीक है, क्योंकि व्हेन वी आर डिसॉल्विंग इन द बैंगल्स और द गोल्ड इन कोई भी है हमारा, when we are dipped in the aquaregia, the gold will be removed. Clear? NCERT, वैसे भी these questions can come in the MCQ form also. ठीक है, we can ask you in the different types. ठीक है, उसके बाद था हमारा non-metals में कौन सी exception करी है, वो हमने कर ली है जो physical में थे. Non-metals की हमारी reaction जो है वो नहीं होती, ना oxygen के साथ होती है बस, तो उसका oxide बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें आपने करा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद, ठीक है, इनके जो नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दीज आर एसिडिक इन नेचर. व्हाट डज एसिडिक नेचर मींस, व्हिच लिटमस पेपर, एसिड टर्न ABR, दैट इज एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एंड द बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, राइट. उसके बाद हमारे पास है इसमें और क्या करा था, मेटल्स नॉन मेटल्स केमिकल रिएक्शन तो हमारी सिंपल है. हाँ, बट वी कैन आस्क यू कि आउट ऑफ द फॉलोइंग दीज दिस दिस, विच वन इज शोइंग द रिएक्शन विद द वाटर, विच वन इज शोइंग द रिएक्शन, विच ऑफ द मेटल, नेम द मेटल्स विच शो द रिएक्शन विद द स्टीम ओनली. कौन से करे थे, नेम द मेटल्स, मैंने एक्टिविटी के साथ बताया था. हाँ, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एमएन. ठीक है, दीज मेटल्स दे शो द रिएक्शन ऑफ द स्टीम, क्योंकि जब हम इनके लिए यूज करते हैं क्या कहते हैं उसको, वूल यूज करते हैं, ग्लास वूल, उसको सोक करते हैं वाटर में एंड देन पुट इट इनटू द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड मैंगनीज, दीज शो द रिएक्शन विद द स्टीम. ठीक है, तो आफ्टर दैट दे विल प्रोड्यूस द गैस, राइट. फिर उसके बाद आयोनिक कंपाउंड, वो तो आप लोगों को मैंने वैसे अपनी तरफ से तो आई टोल्ड, आयोनिक कंपाउंड आई टोल्ड यू, अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ फिर दोबारा से, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, आई टोल्ड यू टू कीप वन एग्जांपल इन योर माइंड, दैट इज NaCl. वो आपको कैसा दिखता है, राइट डाउन, देखने में सॉलिड है, क्रिस्टल है, सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. नमक ऐसे दिखता है, पानी में डिसॉल्व है, दैट मींस सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट.
अब जो पानी में सोल्यूबल है देन NaCl है, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन रिलीज होंगे व्हेन वी विल डिसॉल्व, आयंस आर देयर, फ्री आयंस आर देयर, देन मींस अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। ठीक है जी, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी उसकी होगी प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन द, ओनली कीप द थिंग इन योर माइंड दैट इज द NaCl। अब इसमें आपको जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है दैट यू हैव टू लर्न अगेन, अगर नहीं भी आते होंगे तो कर लेना। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस नेगा नागा मजिस्ट्रेट ऑल सिली पीपल शुड क्लियर अर्थमेटिक पेपर केयरफुली, दीज आर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, सीक्वेंस भी यही है राइट, इनका सेम सीक्वेंस है। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट यू नो, पहले शेल में 2, सेकंड में 8, तीसरे में भी आपने 8 ही करने हैं इन दो के केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास ये आगे चल के हम करेंगे, ये दो हमारे पास एक्सेप्शंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो कोई आपको एलिमेंट दिए दिस इज एक्स, ठीक है, आपको कहा कि 2, 8, 1 है राइट, यहाँ पे है y 2, 8, 7 है। ठीक है, आपने कंपाउंड बताना है कौन सा है। अरे नहीं, इस तरह से नन कर लेते। चलो अब कैसे हमने फॉर्म करना है, वी विल जस्ट सी ना, x पॉजिटिव y दिस, तो फार्मूला क्या बना, नो नीड टू फाइंड आउट द मेटल इफ दे आर नॉट आस्किंग, आपने सिर्फ उसकी वैलेंसी, उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से यू विल राइट डाउन द वैलेंसी। ठीक है, और नहीं समझ आए, लास्ट वाले से वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी से फार्मूला, कंफ्यूज नहीं होना, मैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। अगर मान लो यहां मैं चेंज कर देती हूं, नाउ यू हैव टू टेल मी द फॉर्मूला। चलो फिर मेटल्स, व्हाट इज इट्स वैलेंसी, दिस व्हाट इज इट्स वैलेंसी। ठीक है, ये तो फिर वही बन गया हमारे पास एक्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता, ये होता नहीं, 4 नहीं, सेवन ले लेते। चलो अब उसकी 2 है ना, ये देखो ना, x 2 पॉजिटिव, y 1, ये इसके x y 2, दिस वन इज योर आंसर। रिएक्टिव कैलोरी नहीं, दैट इज दिस वन। कैलोरी नहीं, कैल्शियम मांगे ऑल टाइम जिंक के सोनी, ठीक है, बट इज दिस हाइड्रोजन कॉल्ड, ये क्या है, ये जब स्क्वेयर ब्रैकेट होती है ना, इसको बोलते हैं नेसेंट। जैसे अगर मैं ये दिख दूं तो ये मेरे पास नेसेंट ऑक्सीजन है, अब यहां पे ये H के बाहर ब्रैकेट है स्क्वायर, नेसेंट अकेले, ओके। अब आयोनिक कंपाउंड पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फार्मूला फ्रेम हो गया, और क्या कह सकते हैं, वो आयोनिक प्रॉपर्टीज के ऊपर हो गया, आयोनिक कंपाउंड के फार्मूलाज के ऊपर हो गया। They can ask you, might be they will not give you the electronic configuration. Then they are saying, so you have to, मान लो अब यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई ही कुछ ले रही हूँ, 3 वाई ले लेते हैं,
कुछ भी नहीं, दे आर टेलिंग अस टू कैलकुलेट या फाउंड द फार्मूला या ये कौन सा बॉन्ड है, कुछ भी। वाइल मान लो मैं ले लूं यहाँ, सिक्स ले लेते, चलो नहीं सिक्स नहीं एट। अब ये क्या है, ठीक है ये ठीक है बैलेंसी, ठीक है फार्मूला एक्स टू वाई, ठीक है। हमने उस चक्कर में नहीं पढ़ना कि इनका नाम क्या है, नो नीड टू फाइंड अंटिल अनलेस दे आर सेइंग कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विद दिस, ठीक है विद दिस यू विल आइडेंटिफाई अंटिल दे आस्क, अगर नहीं है तो नो नीड, ठीक है। एंड व्हेन यू विल डू द एमसीक्यू इन द ओएमआर शीट राइट, प्लीज मेक श्योर फर्स्ट डू इट इन अ प्रॉपर वे ऑन द क्वेश्चन पेपर, देन डू इट ऑन द ओएमआर शीट, क्योंकि क्वेश्चन में देखो वाइटनर लगेगा, वी विल नॉट कंसिडर, कर भी लेंगे इस बार, बट बेटर कि आप पहले ही ध्यान से करो, वेरी पर्टिकुलर। कर लो साथ साथ, कर लो साथ साथ इन द सेंस डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट वन, बट आई एम सेइंग उसमें हल्का सा चाहे लगा लो कि ये मेरा आंसर है, नो 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 नीड टू यूज द पेंसिल एंड द पेन, एक ही बार में हल्के से पेन लगा लिया, नेक्स्ट पे चलो लगा लिया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो कि मैं बाद में करूंगा, उस चक्कर में प्लीज सी द क्वेश्चन आप कौन सा पढ़ रहे हो। आपने ट्वेल्थ क्वेश्चन छोड़ दिया, थर्टींथ कर लिया और टिक आपने ट्वेल्थ पे कर दिया, तो सारे उसके आगे वाले गलत हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये ध्यान रख के करना क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है हम